आज जो है सब्ज मिर्चें भी डाली हैं और प्याज भी डाले हैं। आज मुझे लगता है चटनी हमारी बेहतरीन बन जाएगी। फौजी साहब वालों की बबरी थी, वो बबरी बोलते हैं, पता नहीं पुदीना बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह खाना आ चुका है। ये देखें चटनी भी इसमें आ गई है। हम गरीबी की वजह से नहीं खा रहे, वैसे शौक से खा रहे हैं। तो यार ये जो लोग जो हैं बोलते हैं यार ये क्या चक्कर है, रोज़ झगड़ा करते हैं, वीडियो सही नहीं बनाते हैं, और तो ये आप ख़त्म करें ना, ये क्या क्या चक्कर है। भरवा लिया? कितने का भरवाया है? 1000 का? 1000 रुपए का गैस कितने रुपए किलो था? 10-30 रुपए किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो हाजिर हैं सुबह के लोग में जो कि बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त होने वाला है। जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। तो अभी जो है चलते हैं इस्लामुद्दीन के पास, उसे कराते हैं तैयारी और वो जो है जाएगा स्कूल। इस्लामुद्दीन की टीचर ने कल इस्लामुद्दीन को बुलाया था कि आज का नाम बोला था कि इस्लामुद्दीन को ले आना है। तो इस्लामुद्दीन ने अपनी जो है न्यू कापें और किताबें लेनी है। तो आज जो है इस्लामुद्दीन स्कूल जाएगा, अपने लिए कापियां और किताबियां लेकर आएगा। टावर भी जो रेडी हो गई है। हाँ जी बेटा तैयार हो गए? हाँ जी। और कितनी देर है अभी? इस्लामुद्दीन ज़ैनब और मैं और हाजिर साथ चलकर अभी इस्लामुद्दीन इस्लामुद्दीन की इस्लामुद्दीन की टीचर ने इस्लामुद्दीन को बुलाया था। हाँ जी, किताब में अकेली मिलेगी। अच्छा, और ढोलू को देखें क्या कर रहा है। ढोलू क्या चला रहे हो? ये क्या है? बजाओ, इसे बजाओ। ये देखो, ओ देखें बैठा है हैदर अली। हैदर अली झूमर लगाओ। वो देखे झूमर लगा रहा है हैदर अली। यहाँ पर खड़ा है इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन स्कूल जा रहे हो? वाह जी वाह, आपने कापियाँ और किताबें लेनी है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तैयारी करें और फिर जो है स्कूल और जाएं। हम खाना भी ले जाएंगे। हाँ, आप खाना भी साथ ले जाना। आप जी इस्लामुद्दीन को कपड़े पहनाए जा रहे हैं। हाँ जी, अभी इसे जल्दी जल्दी ना तैयारी करवा लूँ फिर जाएगा। हाँ जी, और हैदर अली भी साथ में बैठा है। वो देखिए हैदर अली क्या है? आप जी दवाइयाँ पिला रहे हैं। हाँ, दवाई का टाइम हो गया है ना। हाँ, तो मैंने कहा दवाई भी पिला दूँ। आप जी तो जी शरबत जो है मैंने पिला दी है। तो अभी ये एक टूप दिया था डॉक्टर ने, ये इन जख्मों पर दिखाना इस्लामुद्दीन, ये जख्मों के ऊपर लगाने के लिए। हाँ। तो अभी ये लगा रही हूँ। अब जी यहाँ पर आ चुके हैं हाजरा। हाजरा क्या हाल है? ठीक है, स्कूल की तैयारी कर ली? आज जी स्कूल की तैयारी सही कही। अच्छा, बैग टू किया? बैग अम्मी रोटी पकाएगी और सी जाएगी। हाली नहीं जाना ठीक है? हाँ जी, अभी नहीं जाएंगे। और पैसा भी उठाए हैं। दहाड़ पर देखे, दहाड़ पर चीज ले होंगी। दहाड़ पर जी वो क्या कर रहा था इस्लामुद्दीन? कुल्ली कर रहा था। कुल्ली? हाँ, दवाई पी है ना, तो ये कुल्ली कर रहा था। हाँ जी, और क्या, ज़ैनब भी आ चुकी है साथ में है, ऐसा है ना ज़ैनब? जी। पानी की बोतल भी और पेंसिल और बैग भी उठा लिया है, ऐसा? जी। ज़ैनब और बख्तावर आप ना ये केन भी साथ लेकर जानी है, ठीक है? ये वहाँ दुकान पे ना दे देना, और उनसे कहना कि जो कल देकर गए थे तो जो उनके पैसे थे वो केन तो हमने उठा ली थी, और पैसे जो है वहीं पर है, वही पैसे देकर फिर ये केन उसे दे देना, उसे कहना ये भर देना, ठीक है? ये रे बख्तावर आपके, और ये ले इस्लामुद्दीन आपके। तो अभी चलो, टाइम हो गया है।
अब चलो, अल्लाह हाफिज। और हैदर अली को देखें कैसे देख रहा है। हैदर अली बाय, हैदर बाय करो, बाय हैदर अली। जैनब और बख्तावर जो चलेंगे, वकार अहमद और हाजना को भी बुला लेना। माशाल्लाह मिस्त्री साहब भी आ चुके हैं और वो वाली जो दीवार है वो सारेंगे। तो अभी जो है मैं आई हूँ अपने किचन में, तो अपने किचन में लगा रही हूँ झाड़ू। ये देखे बर्तन जो है मैंने सुबह धो कर रख दिए थे, तो अभी यहाँ से सारा लगाते हैं झाड़ू, फिर चूल्हा भी साफ़ करेंगे और फिर जो है बनाऊँगी मैं रोटी। और वो देखें बड़ा मिस्त्री साहब भी आ चुका है, वो मिस्त्री है और वो उनके मजदूर। पानी भी आ गया है और फिर ये साफ़ी भी मैं ले आई हूँ, तो अभी करते हैं चूल्हा साफ और फिर आपको दिखाते हैं, साफ़ करके दिखाऊंगी। ऐसे तो नहीं दिखा सकती साफ़ करते हुए, क्योंकि एक हाथ है मेरा, कैमरा भी पकड़ने वाला कोई नहीं है। इस्लामुद्दीन और बख्तावर वो पकड़ते थे कैमरा, तो मैं काम करती थी। तो आज जो है वो दोनों स्कूल चले गए हैं, तो आज अकेली हूँ। तो प्यारे बहन भाई ये चूल्हा जो है मैंने साफ़ कर लिया है, तो अभी बनाती हूँ रोटी। और ये वाला जो है, ये वाला हमारा चूल्हा जलता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसे। इनकी जालियाँ भी मैंने साफ़ की थी अच्छी तरीके, देखें सुराख हैं, पता नहीं इसके अंदर कोई चीज़ जो है चली गई है, तो इसीलिए ये जल नहीं रहा। ये देखें इसके अंदर जो है वो जो छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है, इसी में कोई मसला है मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो हमारा यह सुबह का व्लॉग शुरू हो चुका है, तो रहना हमारे साथ है। जो न्यू आए हैं हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो न्यू आने वाली आप मिस ना कर पाएं। और हर वीडियो के ऊपर आप जो है कॉमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, और अपने जो सोशल अकाउंट है आपके वहाँ पर भी हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि इससे जो है हमें बहुत फ़ायदा होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब नाश्ते का टाइम है, मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन मैडम साहबा जो है वो पहले अपने चूल्हे पे बना रही थी रोटी, फिर वो गैस जो है ख़त्म हो गई, कुछ रोटियां बच गई हैं, अब जो है उन्होंने मुखलिस भाई वालों के चूल्हे पर चढ़ा दिया है, अब खाना बनता है, फिर हम भी खाएंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। अगर आप भी खाएंगे तो अपने घर पका के खा लेना। ढोलो ने बांध लिया पगड़ी, अब ये दिखाएगा झूमर। डिंग डनंग डिंग नक डनंग डिंग नक डनंग डिंग नक डनंग डिंग नक डनंग डिंग नक। ओए ढोलू काका गोलू, सबको झूमर लगाओ, अब सब झूमर लगा रहे हैं, आप क्यों ऐसे खड़े हो, चलो झूमर लगाओ। हाँ डिंग डनंग डिंग नक डनंग डिंग नक डनंग डिंग नक डनंग डिंग डनंग डिंग नक डनंग डिंग नक डनंग डिंग नक। वाह ढोला काका गोला बोला। ओए ढोलू दीवार बन रही है, माशाल्लाह अब दीवार बन जाएगी। और ये देखें बैठा है हैदर अली। ओए हैदर अली क्या कर रहे हो काका, ओए चलो झूमा लगाओ। हाँ डिंग डनंग डिंग नक डनंग डिंग नक डनंग डिंग नक डनंग। बीबी आपको सलाम दुआ आती है, नहीं? हाँ नहीं, रात वाला सालन सही नहीं था, तो कोई और सिस्टम हो सकता है, मतलब अगर हरी मिर्चें हों तो
चटनी बना दें। हाँ, हरी मिर्च पड़ी है। फिर चटनी बना लेते हैं। अरे बहन भाई, मौसम देखें तो मौसम बिल्कुल साफ है और हवा हल्की हल्की चल रही है, बड़ी बेहतरीन, ठंडी भी लग रही है। और टाइम अगर आपको बताएं तो टाइम हो गया है 9:04, और खाना हमारा जो है ये बन चुका है। अभी हम चटनी बना के खाएंगे। माशाल्लाह हमारी चटनी बन रही है, मिर्चों वाली। और प्याज नहीं है? प्याज भी है। प्याज भी हल्के से डाल लें। और क्या बोलते हैं, हाँ वो बबरी नहीं है? बबरी नहीं, बबरी नहीं वो, हाँ फौजी साहब की थी तो सही, पता नहीं, पता आप करके आए। चलो मैं चेक कराता हूँ। हाँ। अगर वो है तो बबरी के दो तीन पत्ते डाल लेते हैं। हाँ, आप थोड़े से प्याज डाल लें, हरी मिर्चें डाल लें, फिर हमारी चटनी ठीक बन जाएगी। ओके आया। हाँ जी, बाहर चल के देखते हैं। फौजी साहब वालों की बबरी थी, वो बबरी बोलते हैं, पता नहीं पुदीना बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है, चेक करते हैं। लगती तो मुश्किल है कि हो, फिर भी चेक कर लेते हैं। हैरान, आप भी साथ आ रहे हो? सब्जी तो भिजी हुई है लेकिन बबरी नहीं है। यहाँ पर हुआ करता था बहुत बड़ा पौधा, अब नहीं है, ख़त्म हो गया है। और ये देखें फूल कैसे सब्जी के लगे हुए हैं। और ये क्या चीज़ है? हरी तुरी, सब्ज तुरी क्या है ना फूल। हाँ जी, बबरी नहीं है यार। चलें चलते हैं, प्याज ही डाल लेते हैं चटनी में, प्याज सही काम चला लेते हैं, सही है। वो देखे लड़के दीवार बना रहे हैं, मिस्त्री साहब भी साथ हैं। और ये स्वांजना बड़ा हो गया है, अब वो किक्कर, और ये वाले गली वाले किक्कर भी बहुत बड़े हो गए हैं। अब फिर मुझे लगता है इनको काटना पड़ेगा। ये देखे पूरी गली में आ गए हैं ये वाले, और लोग जो हैं हमें बोलते हैं कि आप ही काट लो, क्योंकि लोगों को हम नहीं काटने देते ना ये वाले, क्योंकि आपको पता है असलम खान जो है दरख्तों का मोहब्बतिया है, इसलिए जो है दरख्त में किसी को नहीं काटने देता, तो लोग जो हैं वो नहीं काटते, फिर मुझे खुद को काटने पड़ते हैं। नहीं मिला वो, वहाँ पर था ही नहीं, पौधा है ही नहीं। और ये कौसर इरफान घर जा रहे हैं। और माशाल्लाह इतनी झुमत फिर आवने, डिंग डनंग डिंग नक, डनंग डिंग नक, डनंग डिंग नक। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपसे जान छुड़वा रहा है, अब सही है, आप जा रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब आपको घर जा रहे हैं। अब इसलिए घर छोड़ के भाग रहे हो? नहीं, घर में परेशानियां ज्यादा बढ़ गई। आज मैं जो है ना शहर जा रहा था तलाश करने के लिए, मुखलिस साहब को तलाश करेंगे, रिश्तेदारों के घर भी जाऊंगा, वहां भी देख कर आऊंगा कि कहीं हो सकता है मिल जाए। चलें, आपकी मेहरबानी होगी अगर तलाश करके ले आए मुखलिस साहब को। हाँ जी, आगे की परेशानी हल हो जाएगी। जी जी, हमारे तो मसले हैं घर के, हमें तो फिलहाल ख्याल करना, छुरी हाथ में ना लग जाए। हाँ, ऐसा लगा रही हूं। आज जो है सब्ज मिर्चें भी डाली हैं और प्याज भी डाले हैं, आज मुझे लगता है चटनी हमारी बेहतरीन बन जाएगी। हाँ जी, और नमक भी डाल लेना। हाँ जी, नमक अभी डालूंगी। हाँ जी, तो ये ना हो कि नमक आप ना डालें फिर कौड़ी लग जाए। नहीं नहीं, नमक तो सबसे पहले होता है ना ऐसी चीजों में। नमक भी डाल लिया है। माशाल्लाह चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब मैडम साहबा जो है ये खाना लेके आ रही हैं,
छाँव में बैठते हैं और सुबह का नाश्ता करते हैं, वो भी तकरीबन 9:21 पे। तो ये तो हमारे हालात हैं, आप देख सकते हैं 10 बजे हम नाश्ता करते हैं, हालांकि गांव में लोग जो हैं सुबह 6 बजे नाश्ता करते हैं, हम 10 बजे नाश्ता करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं मैं कर रहा, ये बहुत गलत बात कर रहा हूँ। मतलब जल्दी खाना बनना चाहिए, फिर बंदा खा पी के काम पे निकल जाता है। मैं बहुत काम वाला बंदा हूँ और इधर उधर भागना पड़ता है और बहुत सारे काम करने होते हैं। कितनी देर है अभी? बिस्मिल्लाह माशाल्लाह खाना आ चुका है, ये देखे चटनी भी इसमें आ गई है। तो अब जो है हम मौज करने वाले हैं, ये हम गरीबी की वजह से नहीं खा रहे, वैसे शौक से खा रहे हैं। माशाल्लाह मैंने नाश्ता कर लिया है, अब देख रहा हूँ इन लड़कों को कि कैसे काम कर रहे हैं। दीवार आधी हो चुकी है माशाल्लाह, आधी दीवार बन चुकी है। अभी टाइम जो है वो आप देखें 10:30 हैं, तो तकरीबन 1-2 तक ये इंशाल्लाह ताला फारिग हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें आधी दीवार हो चुकी है, बाकी आधी रहती है। ईंटें भी देखें कितनी थोड़ी सी रह गई हैं, और थोड़ी सी इधर भी रह गई हैं, और थोड़ी सी इधर भी रह गई हैं, और थोड़ी सी उधर भी रह गई है। और नंबरदार भी खड़ा है। नंबरदार कैसे हो? तबीयत वाला सियत वाला कैफियत कहाँ जा रही है? ठीक जा रही है, ठीक जा रही है। सीधे रास्ते पर है? मुझे तो नहीं लगता। चलो आप बोलते हो तो जा रही होगी। अच्छा सूट बूट भी पहन के जा रही है कि ऐसे ऐसे हंझड़ मंझड़ जा रही है? ये किसकी दीवार है? चलो अल्लाह राह रास्ता है। आपकी है? चले सही है। आपके पापा मिले? नहीं, मिलने वाले भी नहीं है मुझे जहाँ तक शक है। उन्होंने और शादी कर रही है, वो तो पहले से ही शादी शुदा थे, आपको पता ही नहीं है। मैं उनके साथ जाता था ना, फिर शहर में वो छुप जाते थे। काफी बार अहमद भाई के साथ भी गए हैं, अकरम भाई के साथ भी गए हैं, लेकिन मुखलिस वहाँ छुप जाते थे, फिर हम अकेले वापस आते थे, वो फिर नाइट को आते थे। तो ये चक्कर चल रहा है उनका, डे नाइट ड्यूटी पे है। डे नाइट ड्यूटी पे है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आज जो है ये दीवार हो जाएगी, यहाँ तक सीधी काट ली थी, बाकी ये जो बच्ची खड़ी है ये सही है, ये मजबूत थी। अब देख लें थोड़ी सी रहती है, ये हो जाएगी, अभी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जीशान जो है वो भी आ गया है गैस भरवा के। भरवा लिया? कितने का भरवाया है? 1000 का। 1000 रुपए का गैस? कितने रुपए किलो था? 230 रुपए किलो था। चलें सही है, अब हफ्ता लंग जाएगा, 1000 रुपए के गैस से एक हफ्ता गुजर जाएगा। वाह जी वाह। माशाल्लाह अहमद भाई भी आ चुके हैं दीवार को देखने के लिए कैसे मिस्त्री काम कर रहे हैं, और बोल रहे थे कि मिस्त्री जो है आपने यहाँ पर लगा दिया है, मेरा काम रुक गया है। ऐसा ही है, मैं भी गया ना उधर, तो मिस्त्री नहीं थे, मैंने कहा पूछूं कोई सामान वगैरह जरूरत हो। हाँ जी, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैयुद्दीन भाई से पूछा तो वो कहता वो उधर असलम भाई के घर में लगे हुए। अच्छा, तो यार ये जो लोग जो है बोलते हैं यार ये क्या चक्कर है, रोज झगड़ा करते हैं, वीडियो सही नहीं बनाते, तो ये आप खत्म करें ना, ये क्या चक्कर है? इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, हमें खुद को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब आप घर में इंटर होते हैं तो आपका झगड़ा शुरू हो जाता है? हाँ, मतलब
ये मैं जो है ना आज डिटेल में जो है वो वीडियो बना रहा हूँ जी, सारी चीजें। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का पता भी चल गया कि ये सब कुछ क्या था, कैसे मामला थे, क्या चीजें थी। हाँ जी, तो इंशाल्लाह वो शाम को शेयर करेंगे। ओके, हो गया जी, डन।